कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत दौरे को खालिस्तान के मुद्दे से जोड़ने पर सिखों में नाराजगी है। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने इन सभी बातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने सारी बातें सबूत के साथ रखी। देखिए दिल्ली से संवाददाता अभिषेक कपूर की रिपोर्ट। डेलीगेशन में शामिल था जो फैक्ट्स कहते हैं कि उसके डेलीगेशन में उसका ऑफिशियली नाम नहीं था। ये कहा गया कि वो खालिस्तानी था, उस पे केस थे, उन्होंने सजा भुगती है, पर एक फोटो मेरे साथ भी उनकी वायरल हुई। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिस में आए थे पिछले साल शायद अगस्त के महीने में, और वो थैंक्स करने आए थे कि जो 1984 का मेमोरियल बना है या जो ब्लैकलिस्ट मार्क किया और जो जिस किस्म से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी काम कर रही है। तो मैंने उनको बंदा सिंह बहादुर की किताबों का सेट प्रेजेंट किया था। उस फोटो को लेके पूछा गया कि जसपाल सिंह अटवाल के बारे में बहुत कल से सोशल मीडिया में और कई चैनल्स पर कंट्रोवर्सी आ रही है। पहले मैं जसपाल सिंह अटवाल की बात कर लूं कि जसपाल सिंह अटवाल एक मीडिया वेव कम्युनिकेशन है जिसमें नरेंद्र और जो नरेंद्र कोहली जी हैं ये नॉमिनी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दी डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ICSI एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ हाई लेवल कमेटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये नलिन कोहली जी के साथ और ये जो मैं दिखा रहा हूं कि जो उनका स्टेटस है, ये बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, इनके साथ इनका क्या स्टेटस था। इनका नाम निकाला जाता है ब्लैकलिस्ट से, वीजा इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, हमारी एम्बेसी देती है, और यहां पे ये विजिट पे आते हैं, मुझे भी मिलते हैं, और ये सवाल किया जाता है कि ये खालिस्तानी थे, इनको ट्रूडो के साथ जोड़ा जाता है। हर वो काम किया गया कि इस विजिट को कैसे एक्लिप्स किया जाए, इसको खराब किया जाए, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल मीडिया ने भी प्ले किया, जहां हमारी एजेंसी ने प्ले किया, मीडिया ने प्ले किया। अगर मैं मीडिया के बारे में बात करूं, ये आउटलुक मैगजीन है जिसका पहला इंटरव्यू वो छापते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और ये आउटलुक मैगजीन से शुरू होता है। आउटलुक मैगजीन के बाद जो हमारे शेखर गुप्ता जी हैं द पॉइंट, उसके अंदर वो सब सिखों को खालिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं। द प्रिंट, बरखा दत्त एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो सिखों के बारे में जो लिखा गया उनकी तरफ से और जो ट्वीट्स चलने लग पड़े, मैं समझता हूं कि सब सिखों को खालिस्तान के रंग में रंग दिया इन्होंने, चाहे ये शेखर गुप्ता हो, बरखा दत्त हो। बरखा दत्त, मैं समझता हूं कि अगर मैं उनकी कंट्रोवर्सी की बात कर लूं नीरा राडिया केस में, मैं समझता हूं कि उनको अपने जवाब देने चाहिए। मेरा सवाल एक है कि तुम सिखों को खालिस्तानी बता रहे हो। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, ये मेरे मेंबर साहबान बैठे हैं, दिल्ली में इलेक्शंस हर